पूरी टीम निकल चुकी है रामटेक फोर्ट के लिए, और वो जो फोर्ट है उसे गढ़ मंदिर कहा जाता है। और आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी चलते हुए जा रही है, आप छोटे कैमरे के अंदर में आप देख पा रहे होंगे, और ये हमारी पूरी टीम है और बड़े एक्साइटेड है क्योंकि वो जो मंदिर है वो दरअसल एक जमाने के अंदर में किला हुआ करता था, और किला होने के साथ में भी वो अभी जो है बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, और वहाँ पे भगवान श्री राम जब उनको वनवास हुआ था तब वहाँ पे रुके थे, ऐसा लोगों का मानना है। अभी हम लोग उसी मंदिर की तरफ जाएंगे। तो गाइज अभी हम लोग गढ़ मंदिर के लिए हमारी गाड़ी पलट चुके है, और आप देख सकते हैं इतना भव्य मस्त सुंदर यहाँ पर गेट बनाया गया है, कितना सुंदर है आप देख सकते हैं। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है हमारा मंदिर, और कितना सुंदर नज़ारा है आप देख सकते हैं। ये पहाड़ है और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ इस साइड में मंदिर है, कितनी सुंदर हरियाली है आप देख सकते हैं गाइस। फाइनली अभी हम लोग गढ़ मंदिर के पास में अभी हम लोग आ चुके हैं। ये रामटेक का सबसे बड़ा मंदिर है और इस एरिया का भी सबसे बड़ा राम मंदिर है, और अभी हम लोग उसी तरफ जाने वाले हैं, और अभी हमारी टीम भी है प्रिपरेशन कर रही है, अभी हम लोग आगे की ओर निकलते हैं। गाइज ये है सिंदूर बावड़ी, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है, ये नज़ारा आप देख सकते हैं, और बड़ा सुंदर प्यारा नज़ारा है। अभी हम लोग उधर की ओर जाएंगे, आप देख सकते उधर में कुछ मज़ारे हुए बनी है, अभी हम लोग उधर की ओर भी निकलेंगे। अंकित चलो फटाफट चलो फटाफट चलो अंकित नीचे जाओ नीचे 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 नीचे। ओह माय गॉड, ए प्रज्वल फटाफट आ जा। गाइस ये सिंदूर बावड़ी का जो नज़ारा है मुझे हमें तो बहुत अद्भुत लग रहा है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पानी है, ये बावड़ी है, और ये है यहाँ से कुछ नज़ारे, ये यहाँ का यहाँ से नज़ारे आप गाइस देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बने हुए मज़ार है या फिर क्या है नहीं पता, हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास में कोई गाइड भी नहीं है। और ये यहाँ के नज़ारे हैं आप देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पे लग रहा है गाइस। यहाँ पे आने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो बावड़ी है और ये बावड़ी के पास ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला एरिया है। अभी मैं यहाँ से आपको पीछे का नज़ारा दिखा दूँ, कुछ ये इस प्रकार से है ये यहाँ पर ये बावड़ी, तो लेकिन देख रहे बाबा हमारे गिम्बल काम नहीं कर रहे गए। बाद में ये नज़ारा यहाँ पर होता है, कुछ दुकानें यहाँ पर लगी हुई मिलती है, लेकिन ऊपर के जो नज़ारे हैं, ये किला है जो बहुत पुराना किला हुआ करता था, इस किले का नाम था रामटेक फोर्ट करके, और इसी किले के ऊपर में मंदिर बना हुआ है भगवान श्री राम का। तो चलिए चलते हैं उधर की ओर, टीम है और टीम के साथ में अभी हम लोग पूरी टीम जा रही है मंदिर की ओर, और यहाँ के कुछ बंदर का नज़ारा मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में अगर बंदर होंगे तो यहाँ जैसे निडर बंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो उनके अंदर में कोई डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे वर्षों से वो बंदर रहते हैं यहाँ पर, और इस जगह पर आने के बाद में जिन्होंने बंदरों को कुछ खिलाया नहीं तो उसने कुछ किया नहीं, ऐसा ही समझना पड़ेगा। अभी चल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, ये टीम मेंबर कुछ कुछ फोटो वोटो वगैरह निकाल रहे हैं, ऐसा नज़ारा होता है आप देख सकते हैं। और हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ से दुकानें हैं, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और कोविड के टाइम पे इतनी भीड़ तो नहीं होनी चाहिए। बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ पर दिया है भोसला देवस्थान गढ़ मंदिर, यानी कि ये भोसला फैमिली ने इस मंदिर को बनवाया था, उस वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की ओर, और कुछ यहाँ पे गेट का नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस, आप देख रहे हैं ये हमारे बंदर साहब है, ये यहाँ पे कुछ खा रहे हैं, इनको डिस्टर्ब करना यानी कि खुद को खतरे की दावत दे रहा है, और ये यहाँ पर लोग भयंकर भीड़ है आप देख सकते हैं। हमारे टीम मेंबर कहाँ हैं हमको ही खुद पता नहीं है, और इस मूर्ति में
कुछ शायद अंधविश्वास बोलो या फिर श्रद्धा बोलो, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है कि अगर किसी के अंदर में कोई कपट कर रहे हैं तो वो इस यानी कि भैंसे के नीचे से नहीं निकल सकता। चलो आगे जाओ। और ये यहाँ की विशेषता है। और इस मंदिर को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप किया गया है, आप देख सकते हैं। और बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से भी देखने को हमें मिलता है। यहाँ से अगर हम लोग अगर कोई भी अगर किसी के मन में कपट हो या फिर कोई आप बोलते जादू टोना वाला हो, ऐसे अगर जिनके अंदर में भावना होती है वो यहाँ से निकल नहीं सकते ऐसा बताया जाता है। तो मैं भी एक बार यहाँ से ट्राई करके देखता हूँ कि मैं निकल पाता हूँ कि नहीं। ये मेरा चश्मा पकड़ के रख। और गाइस गर्मी बहुत हो रही है, पसीना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये वॉकी टॉकी नहीं, कोई बात नहीं। गाइज मैं यहाँ से फाइनली अच्छे तरीके से यानी कि बिना किसी देरी के, बिना किसी मुसीबत के या फिर दिक्कत के मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अभी हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर, यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारे हैं वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है और उसी के साथ में हमारे जो मित्र थे राम भैया, उनकी भी टीम यहाँ पर आई है, उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग पूरी टीम साथ में मिलकर अभी गढ़ मंदिर की तरफ जाएंगे। बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। और अभी हम लोग यहाँ की बहुत यानी लगभग 25% भी यहाँ का हिसाब ने कैप्चर नहीं किया है। अभी हम लोग घूमते घूमते जाएंगे और आपको भी यहाँ के सारे दृश्य दिखाते हुए जाएंगे। और मेन चीज़ जो है हमें कुछ बंदरों को चने वगैरह खिलाना है, वो भी सीन आपको यहाँ पर दिखाएंगे। चलो गाइज बिना किसी देरी के चलते उधर। यहाँ पे बड़ी सुंदर कुमकुम की दुकान है, आप देख सकते हैं। और बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। और कुछ नाश्ते यानी कुछ भी खाने खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अभी हम लोग धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम है और टीम को कोई ऑपरेट करने वाला है नहीं, क्योंकि सबके सब यहाँ पर साक्षर है, निरक्षर नहीं है। गाइज ये पूरी टीम हमारे साथ में आ रही है। अबे आधे लटक गए, आधे इधर आओ फटाक से आओ। तो गाइज अभी हम लोग फोर्ट के आउटर साइड में आए और वहाँ पर बहुत कम पब्लिक थी, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से एक छोटा सा ड्रोन का शॉट लिए। और ड्रोन का शॉट लेने के बाद में हमें जो नज़ारा देखने को मिला, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और आप देखेंगे कि साइड में जो है मंदिर दिखाई देता है, जिनकी दीवारें दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा था गाइज। इसलिए हम लोगों ने साइड में आकर हमने ये शॉट कैप्चर किया है। अभी हम लोग नीचे से ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ से मंदिर थोड़ा नज़दीक ही है, मंदिर की ओर भी हम लोग जाएंगे। और ये यहाँ का कुछ स्ट्रक्चर है और आप ये भी आप चीज़ देख रहे हैं, ये पहले किला था, ये बताता है यहाँ यानी कि ये पुराने जगह पे किला हुआ करता था और किले के ऊपर में मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है और लगभग इसकी स्थापना जो बताई जाती है 1600 के करीब, यानी जब ये किला बना था तभी का ये मंदिर है। और अभी हम लोग धीरे धीरे, हमारी टीम थक चुकी है क्योंकि उतने ऊपर से चढ़ने के बाद में थकान तो होगी ऑब्वियसली, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद में मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ पे नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे हमें देखने को मिले हैं। और ये जो स्पेस है ये असल मंदिर वाला स्पेस है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है पुराने किले वाला ही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, आगे में मंदिर है और वहाँ से आगे, पिछली बार जब हम लोग आए थे तो हमें परमिशन नहीं थी क्योंकि कोविड चालू था। और अभी पता नहीं हमें मंदिर में जाने की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सो गाइस मंदिर के पास में अभी हम लोग पहुँच रहे हैं। इस ऊँचे वाले ठिकान के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ से बड़ा गजब का सीन यहाँ से दिखाई दे रहा है हमें। और ये यहाँ पर दुकानें हैं, ये यहाँ का नज़ारा है और ये कुछ पहाड़ है और पहाड़ों के बीचों बीच ये मंदिर है। और ये सातपुड़ा पर्वत की ये मालाएँ हैं यानी पर्वत है।
तो गाइस आप देख रहे हैं मेरे पीछे में ये दरवाजा है कितना विशाल है, और यहाँ पे ही मंदिर है, पता नहीं मैं किसी से टकरा जाऊं मतलब बता ना रहे। और गाइस यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, हम 10 से 12 लोग हैं और पूरे 12 के 12 यहाँ पर आने के बाद बड़ी गजब की खुशी हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। और पास में है अभी दरवाजा और आगे में है मंदिर, यहाँ पे थोड़ा शोर शराब है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पब्लिक भी बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग आगे क्यों चलते हैं, फाइनली दूसरे गेट की तरफ आ चुके हैं और यहाँ का नजारा कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, इतना सुंदर यहाँ पे नजारा है। अभी हम लोग धीरे 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 जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम भी है यहाँ पर। और पूरी टीम किधर गई, अबे तुम किधर गए वे? हाँ गाइज यहाँ पे हमें जूते यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप थोड़ा सा उल्टा देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको मानना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे जूते निकाल रहे हैं। पैसे भी लगेंगे। इस मंदिर में मैं लगभग 15 साल पहले आया था और कुछ यहाँ के कुछ ढूंढे ढूंढी यादें मेरे पास में, ये मेरे साथ में थी। और यहाँ पे आने के बाद में ऐसा लग रहा है ये सच में एक किला है। आज लगभग 15 साल के बाद में मैं आया हूँ और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी भीड़ होने की वजह से मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ता है। और यहाँ का कुछ नज़ारा ये इस प्रकार से, पर जो इधर से आगे आता और इस टाइप से भी दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हैं ये पूरा किले का ही नजारा है और ये पुराने एक समय में एक किला ही हुआ करता था। गाइस यहाँ पे आने के बाद में हमें सबसे पहले मंदिर में जाना पड़ता है, यहाँ पे राधा राधा कृष्ण मंदिर है। अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे पहला मंदिर है जो हमें देखने को मिला। गाइस यहाँ पे आने के बाद में मुझे थोड़ा सा मैंने स्टॉक सूज निकाल दिया है और ये यहाँ पे मंदिर है, आप देख सकते हैं भीड़ थोड़ी ज्यादा है। कुछ यहाँ पे इतना सुंदर नक्शी काम आपको देखने मिलेगा, ये आप देख सकते हैं ये कॉलम जो है ये लगभग कितने साल पुराना हुआ है कॉलम, हो गया। लेकिन गाइस यहाँ का जो नक्शी काम आप देख सकते हैं कितने बारीक बारीक तरीके से यहाँ पर नक्शी काम किया गया है। और ये घंटा है, इसे यहाँ पे हिलाने के लिए भी यहाँ पर एक बम्बू की सहायता लेनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे दृश्य बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर तक के नज़ारा आप, और ये यहाँ पे नज़ारे हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर कमेटी के एक अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं और यही उनका ऑफिस है शायद। और ये जो कॉलम है, ऐसा नक्शी काम आपको बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बोलता हूँ कि ये जो जगह है मोस्ट एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल जगह है। और ये यानी कि ये एडवेंचरस नहीं है बट दार्शनिक यानी कि डिवोशनल तौर पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फियर है। ये मंदिर है और ये मुख्य मंदिर है। अभी हम लोग यानी कि इस मंदिर में जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सफ़र यहाँ से काटना पड़ेगा गाइस। और ये यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है और ये एक समय पे जो किला हुआ करता था तो यहाँ पे कुछ रूम्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर, अभी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी गई है लेकिन ये एक समय पे जो हुआ करता था मंदिर यानी कि एक किला हुआ करता, तो यहाँ पे कुछ रूम्स वगैरह बनी हुई है जो यहाँ पर हम लोग साफ साफ तौर पे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये यहाँ का ऐसा इतना गजब का नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है गाइस, आप देख रहे हैं।
अभी हम लोग लक्ष्मण मंदिर की तरफ चलते हैं, और लक्ष्मण मंदिर के बाद में प्रभु श्री राम का मंदिर है और उसी मंदिर की तरफ अभी हम लोग जाने वाले हैं। जब हम लोग मंदिर की तरफ जब आना चालू करते हैं तो हमें भगवान हनुमान जी के यहाँ पे मंदिर हमें देखने को मिलता है, और भगवान हनुमान जी का ये मंदिर है और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई है आप देख सकते हैं। और ये यहाँ का बाहर से दृश्य कुछ इस प्रकार से है। ये अगर मैं पीछे अगर जाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें मंदिर दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग मुख्य मंदिर की तरफ जाना चालू करेंगे तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है और कुछ यहाँ पे कुछ इतनी पब्लिक रहती है आप देख सकते हैं। लक्ष्मण जी का मंदिर जहाँ से अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आए हैं, और ये है एकादशी माता का मंदिर है जो आप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। ये एकादशी माता का मंदिर है और ये यहाँ का दृश्य है आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य है। और ये है प्रभु श्री रामचंद्र स्वामी मंदिर, ये इतना बड़ा है कि मेरे कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आ पा रहा है। अभी हम लोग उसी मंदिर की तरफ जाएंगे लेकिन वहाँ पे मोबाइल जो है रिस्ट्रिक्टेड है, तो अभी हम लोग मोबाइल बंद कर देंगे क्योंकि हमें जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। थोड़ा सा जितना हो सके हम लोग जहाँ तक के मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आगे जाने के बाद में हम लोग बंद कर देंगे। कर लिए है और यहाँ से हमें परमिशन नहीं मिली है, अंदर में भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो अभी हम लोग बाहर ही आए हैं और बाहर से ये यहाँ का कुछ नज़ारा है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आते रहती है और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे नज़ारे जो हैं आप सबको दिखा चुके हैं। और ये जो है इस जगह पे भी हम लोग अभी चलते हैं, यहाँ से भी आपको एक व्यू दिखा देते हैं। गिरी कुंड है यहाँ पर, कुछ हवन कुंड है और इस हवन कुंड के अंदर में हवन यानी कि हवन की कुछ चीज़ें वगैरह डाली गई हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर की ओर। इस जगह पे मैक्सिमम लोग आते रहते हैं, पता नहीं इस जगह के अंदर में क्या है, यहाँ पे शायद अच्छा व्यू मिलता होगा इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। गाइस एक सरप्राइज़ है आप सभी के लिए और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देना चाहता हूँ। कुछ भी हम लोग इस जगह पे आने के बाद यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे तरीके से यानी कि ये बनाया हुआ है, ये भी बहुत पुराना होगा। और यहाँ पे जो मैं आप सभी को बोल रहा था जो सरप्राइज़ है वहाँ पे सरप्राइज़, और इस जगह से जो है एक समय में यहाँ से पूरा ध्यान रखा जाता था, ये मंदिर का लास्ट स्टॉप है और यहाँ से पूरी ये रामटेक सिटी दिख रही है। आप देख सकते हैं कितना गजब का नज़ारा है, और इसी उद्देश्य से इस जगह को बनाया होगा एक समय के अंदर में कि यहाँ से चारों तरफ ध्यान रखा जा सके। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नज़ारा है, देख सकते कितना सुंदर नज़ारा है गाइस। जब हम लोग बाहर से आते हैं तो ये यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये मंदिर का नज़ारा है, ये बैक साइड से है, बहुत सुंदर नज़ारा है आप देख सकते कितना। एक बार जोर जोर से बोलो, आई लव रामटेक। क्या बात है, जय श्री राम, भैया जय श्री राम। भैया मैं क्या बोल रहा था, एक डायलॉग मार दीजिए, एक गजब वाला जोरदार वाला नहीं, मार दो अभी फटाक से एक डायलॉग मार दो, हमारी ऑडियंस को पूरा खुश कर दो, ऐसा डायलॉग मारो। अभी आप लोगों ने पूरा रामटेक का जो टेम्पल है उसका पूरा व्यू देख चुके हैं आप, तो अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट बंदर है, तो उनको हम अब चने कैसे खिलाते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं, फॉलो मी चलो। Oh, the night.
बंदर है और ये हाथों से चने छीन के खा रहे हैं। इनका तो फेवरेट भोजन जो है चने ही है। गाइज ये हमारी पूरी टीम है, अभी हम लोगों ने पूरा रामटेक का जरूर जरूर और फॉलो करो शेयर करो सिटी कलेक्शन देखो। गाइज अभी हमारा पूरा रामटेक फोर्ट पूरा घूमकर हो चुका है, हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ के दृश्य दिखाए हैं और अभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें समय हो चुका है, अभी हम लोग निकल रहे हैं गाँव की ओर। गाइज आज की वीडियो के अंदर में आपको क्या क्या नई नई चीजें जानने को मिली वो मुझे कमेंट के अंदर पे जरूर बताना। और गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।